भरवेली बालाघाट वाक कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक। प्रशिक्षण आशीष बाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिशा कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट जिले के बाग कराटे क्लब के 2 बालक एवं 3 बालिकाओं ने हिस्सा लेकर अपने आयु व वजन वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित करने में सफल रहे। उक्त सभी खिलाड़ियों का चयन आगामी दिनों हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में होने जा रही है राष्ट्रीय स्त्री कराटे प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस अवसर पर प्रशिक्षण आशीष बाग ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हुए उज्जवल भविष्य कामना करते हुए राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में अधिक से अधिक पदक अर्जित करने हेतु हौसला बढ़ाया। सर, परिचय क्या हुआ आपका और किस क्या खेला क्या सिखाते हैं बच्चों को? बच्चों को हम कराटे सिखाते हैं, हालांकि राम मंदिर में बच्चों को 10 साल से कराटे सिखा रहा हूँ जी। अभी छिंदवाड़ा में आयोजित स्टेट कराटे चैंपियनशिप में हमारी क्लास से 5 बच्चे गए थे, तो इन्होंने पांचों बच्चों ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ गए थे सर और कौन सा रैंक लगा है सही बच्चों का? सही बच्चों का गोल्ड मेडल लगा है, हालांकि छिंदवाड़ा में हुआ था आयोजित छिंदवाड़ा में। कहाँ गए थे सर आप? हम छिंदवाड़ा गए थे टैलेंट राइज किड्स वर्ल्ड स्कूल में, हमारा स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था। अच्छा, किसके किन के बच्चों का क्या क्या रैंक लगा है सर? जिसमें सिया कटरे का गोल्ड मेडल लगा है जी, तमन्ना शौर्य का गोल्ड मेडल लगा है, वांसी रुके का गोल्ड मेडल लगा है, एंड सत्यम विश्वकर्मा का गोल्ड मेडल, एंड नैन सेट्टे का गोल्ड मेडल लगा है जी। जी, कथा विधा भी होती है कराटे में, जिसमें कथा विधा में वांसी का ब्रॉन्ज मेडल लगा है, सिया का ब्रॉन्ज मेडल लगा है, तमन्ना का गोल्ड मेडल लगा है, नयन का गोल्ड मेडल लगा है और सत्यम का सिल्वर मेडल लगा है। कहाँ गए थे आप लोग बच्चा खेलने के लिए? क्या रैंक लगा आप लोगों का? कैसा लगा जीत के? और आगे इन फ्यूचर क्या करने का है आपका?